नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि पूरे 34 साल बाद बदली है और इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस पॉलिसी को हम दो हिस्सों में समझेंगे, स्कूली शिक्षा में बदलाव और उच्च शिक्षा में बदलाव। तो आइए शुरू करते हैं स्कूली शिक्षा में बदलाव के साथ। स्कूली शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि 10+2 के फॉर्मेट को 5+3+3+4 के फॉर्मेट से बदल दिया गया है। तो क्या है नया फॉर्मेट? पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहले दूसरी कक्षा की पढ़ाई शामिल रहेगी। 5 सालों में खेलकूद और अन्य गतिविधियों के साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चों पर पढ़ने वाला किताबों का बोझ कुछ हद तक कम हो सके और इसी स्टेज को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। आगे के 3 सालों में 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी, जिसमें छात्रों का भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का परिचय इन 3 सालों में होगा। अगले 3 सालों को मिडल स्टेज माना जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 की पढ़ाई होगी, जिसमें तय सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। स्कूल की आखिरी स्टेज 4 साल की होगी, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। इसे हाई स्कूल स्टेज माना जाएगा, जिसमें छात्रों को विशिष्ट विषयों की गहराई में पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ 11वीं और 12वीं का स्ट्रीम सिस्टम अभी खत्म हो गया है। मतलब विज्ञान का छात्र अपने पसंदीदा विषय जैसे संगीत, कला भी पढ़ सकता है और कला का छात्र विज्ञान, इतिहास और सामाजिक शास्त्र भी पढ़ सकता है। और कुछ अन्य बदलाव जैसे कि स्कूली शिक्षा में हुए हैं, जैसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी और अंग्रेजी एक विषय के तौर पर अब पढ़ाई जाएगी। मतलब अंग्रेजी अब से आगे कंपलसरी नहीं रहेगा, मतलब अंग्रेजी में पढ़ना कंपलसरी नहीं रहेगा अब स्कूलों में। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, ताकि इस डिजिटल दुनिया में वो आगे बढ़ पाए। और इसी के साथ इंटर्नशिप का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चा अपना मन पसंदीदा काम कर पाए। जैसे किसी बच्चों को अगर पेंटिंग में रुचि है तो वो पेंटर के पास इंटर्नशिप करेगा, किसी छात्र को फैशन में रुचि है तो वो किसी फैशन डिजाइनर के पास इंटर्नशिप करेगा। और इन दिनों को बैगलेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड का महत्व कम कर दिया गया है, जिसके लिए अब परीक्षा सेमेस्टर पैटर्न में होगी। अब से छात्रों का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। मतलब रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ परीक्षा के मार्क्स पर नहीं बनेगा, उसमें छात्र की आकलन क्षमता, कौशल्य, व्यक्तिमत्व विकास और निर्णय क्षमता भी परखी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स शिक्षक, छात्र, उसके सहयोगी और माता पिता मिलकर देंगे। अब समझते हैं उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। शुरू करते हैं कॉलेज एडमिशन के साथ। अब आपको कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CAT की परीक्षा देनी होगी। मतलब अगर किसी छात्र को 12वीं में कम परसेंटेज आए हैं तो वो CAT में अच्छा स्कोर करके मन पसंदीदा कॉलेज चुन सकता है। लेकिन कॉलेजों के लिए CAT ऑप्शनल है, यानी कॉलेज चाहे तो एडमिशन प्रोसेस में CAT का सहारा ले सकता है या नहीं भी ले सकता। उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के आने से हुआ है, यानी कोई छात्र 1 साल के बाद कभी भी किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है और वहीं से ही वापस शुरू कर सकता है। इसी के साथ आप अन्य पसंदीदा विषयों की पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल बाद छोड़ी है तो आपको सर्टिफाइड माना जाएगा, अगर 2 साल बाद छोड़ी है तो डिप्लोमा माना जाएगा और 3 साल बाद छोड़ी है तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। ये सब डिग्रियां और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के डिजी लॉकर ऐप में स्टोर रहेगी। जो छात्र जॉब करना चाहता है उनके लिए 3 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा और जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। उसके बाद 1 साल का MA होगा और आप PhD कर सकोगे। इसी के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्र भारतीय संस्कृति, भाषा व लोक कला का ज्ञान लेंगे और उनका महत्व समझेंगे। संगीत, कला, साहित्य को हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा ताकि भारत का कोई छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए ग्रामीण और दुर्गम भागों की शिक्षा व्यवस्था पर काफी भर दिया गया है। दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। अब से सरकारी और प्राइवेट स्कूल व कॉलेज के लिए एक समान नियम होंगे। फीस को लेकर भी नए नियम निर्धारित होंगे और वह एक समान सभी स्कूलों पर लागू होंगे। 3 साल के बालक के माता पिता को सिखाया जाएगा कि अपने बालक को क्या पढ़ाना है। 2023 तक सारे शिक्षकों का मूल्यमापन किया जाएगा और उनका क्वालिफिकेशन भी तय किया जाएगा। अब तक शिक्षा क्षेत्र में देश के GDP का 4.43% निवेश होता है
उसे बढ़ाकर 6% करने का उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इसी के साथ छात्र व्यावहारिक ज्ञान हासिल करके अपना अपने देश का नाम हर क्षेत्र में ऊंचा कर पाएंगे और इसमें देश का विकास भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी, तो मैं बता दूं कि इसके लिए एक बिल यानी कानून तैयार किया गया है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे अब संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा और उसके बाद राज्य सरकारों को भी अपने राज्य में इसे लागू करना होगा। मतलब ये शिक्षा नीति साल 2021-2022 एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगी। मतलब साल 2021 के एकेडमिक सेशन से इसकी शुरुआत नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार होगी। इसी के साथ हर देशवासी को नए शिक्षा नीति की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।